दिल्ली में मंगलवार सुबह से ही हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर से शहर को पानी पानी कर दिया है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिंटो रोड पर पानी भरने के कारण एक ऑटो रिक्शा डूब गया, जिसके चलते उनका चालक बेहद चिंतित हो गया है। ऑटो में उसके पैसे और वाहन के दस्तावेज भी थे, जो पानी में बह गए। ऑटो चालक मुनील महतो ने बताया, सुबह जब मैं वहां पहुंचा तो ऑटो अचानक बंद हो गया। उस समय पानी का स्तर कम था और मेरा ऑटो आराम से निकल सकता था, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव बढ़ा, ऑटो आगे बह गया। वाहन के दस्तावेज और पैसे भी उसी में थे। सुबह करीब 7 बजे की यह घटना है। हर बार बारिश में ऐसा ही होता है। दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी जलभराव के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। ITO अंडरपास और आश्रम ब्रिज के पास पानी भर गया है, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है और जाम की स्थिति बन गई है। कनॉट प्लेस में भी कई स्थानों पर जलभराव देखा जा रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार यह बारिश का सिलसिला 24 अगस्त तक जारी रहेगा। मंगलवार सुबह की झमाझम बारिश के कारण लोगों को स्कूल और दफ्तर जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन अब दिल्ली वासियों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है।